नमस्कार, आपका स्वागत है। हनुमान मंत्र का साथ लेकर उन्नत जीवन की बात करने की श्रृंखला का आज ये जो तीसरा दिवस है, इसको लेकर हम बहुत अधिक उत्साहित हैं। और जब मैंने हम कहा है तो फिर ये मैं से हम तक की यात्रा कर लेते हैं। स्वागत करते हैं आदित्य शुक्ल जी का। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने सबसे पहले तो हनुमान जी के चरणों में इस बात के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि उन्होंने आपको प्रेरणा दी कि आप सुंदरकांड के साथ अपना जो एक रसमय और दृढ़ अनुराग है उसको व्यक्तित्व के विकास के साथ जोड़कर एक पुस्तक का रूप दें, तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए किन तत्वों की तरफ चर्चा करेंगे। आपने जो अपनी पुस्तक में प्रारंभ में दिए हैं 12 मुख्य गुण जो हमारे लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, तो हमने 4 पर संभवतः चर्चा की है। आज कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? हम लोग लक्ष्य तो निर्धारण की बात कर चुके थे कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करना चाहिए हमको और लक्ष्य पर कैसे समर्पित होना चाहिए। हनुमान जी के माध्यम से हमने बखूबी जानने का प्रयास किया था। अब जब लक्ष्य निर्धारित हो गया अशोक जी, फिर तो बुद्धि और बल है, सारे संसाधन है तब काम आते हैं। यदि लक्ष्य नहीं है जीवन में तो सब ज्ञान रखे रहिए, जितने भी संसाधन इकट्ठा करके रखे उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे ही लक्ष्य निर्धारित हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है संसाधनों का समुचित उपयोग, और मनुष्य के रूप में हमारे पास जो संसाधन है वह बल और बुद्धि है, तो इसके समुचित उपयोग के विषय में हनुमान जी से सीखने का प्रयास करेंगे हम आज शुरुआत में। तो आपने जो लक्ष्य के प्रति समर्पण के बाद में बुद्धि और बल में समन्वय की दृष्टि से जो सुंदरकांड की सीख का संकेत दिया है, अब ये समन्वय वाली बात को मुझे लगता है जैसे जैसे आप हनुमान जी के चरित्र पर या सुंदरकांड में उतरते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आपको दिख जाते हैं, फिर भी एकदम मोटा मोटी तुरंत आपके दिमाग में कौन सा प्रसंग आता है जिसमें बुद्धि और बल दोनों का समन्वय हनुमान जी के द्वारा हम तक आ रहा है? अरे हनुमान जी के चरित्र में वो अद्भुत है। हनुमान जी उनको समझना है, हम लोग हनुमान जी को सामान्य दृष्टि से ही आनंद में ही मतलब उनके चरित्र को ले लेते हैं। यदि उस पर अपने व्यक्तित्व निर्माण के दृष्टि से या व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से सर जब हम उनको एक आदर्श गुरु के रूप में देखते हैं ना अशोक जी, तो हनुमान जी अलौकिक गुण वाले हैं। वो सिर्फ बुद्धि और बल में समन्वय नहीं करते, वो बताते हैं कि भाई बुद्धि और बल है इसका मतलब थोड़ी ना हर जगह समन्वय करते रहोगे। तो हनुमान जी 4 गुण प्रदर्शित करते हैं। पहले बुद्धि और बल का उपयोग ही नहीं करते कहीं पर, वो जब काम बिना उपयोग के ही चल जाए तो फिर क्यों उपयोग करें। फिर वो कहीं सिर्फ बुद्धि का उपयोग करते हैं, कहीं केवल बल का उपयोग करते हैं, और कहीं दोनों में समन्वय करते हैं। ये जो और ये कला हम नहीं, मैं सोच रहा था यदि आपने जो अभी कहा उसको अगर उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही बुद्धि और बल का प्रयोग करते हैं, पर प्रसंग के साथ में उसका प्रयोग अलग अलग ढंग से होता होगा। जैसे आपने 5 उल्लेख किए, मैनाक, सुरसा, निशिचरी, लंकिनी और विभीषण, मुझे लगता है इन 5 में आपने वो अलग अलग ये बात जो आपने कही वो देखी होगी। जी। तो मैं सबसे पहले मतलब जो हमको सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, एक मुक्तक है कि काम छोटा हो या बड़ा व्यवहार पहले सोचिए, और लक्ष्य क्या है कर्म क्या हो तदनुसार पहले सोचिए, और बल कहाँ बुद्धि कहाँ, और बल व बुद्धि साथ में उपयोग करना है या नहीं हर बार पहले सोचिए। हनुमान जी है एक यात्रा में है, और यात्रा है वो उस पथ के पथिक नहीं है, पहली बार यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा में उनसे 4 लोग मिलते हैं, अनजान लोग हैं चारों के चारों। सबसे पहले मैनाक मिलते हैं, हनुमान जी ना वहां बल का प्रयोग करते हैं नहीं बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हनुमान तही परसा हनुपुरी किन्न प्रणाम, और राम काज किन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, आगे निकल जाते हैं। जब सुरसा मिलती है हनुमान जी से, तो हनुमान जी वहां पर केवल बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, और सत जो जन कपि आनंद किन्हा। तो हनुमान जी सिर्फ उनके साथ कौतुक करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हनुमान जी चाहते तो बल का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन वहां पर हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं भाई, ये मां के रूप में आई है,
और वह कहती है कि देवताओं ने मुझे भेजा है, आज सुरंग मोहि दिन न आरा। तो व्यवहार से तो ये मतलब लगता है कि अच्छा इंसान है, तो सुरसा के साथ कौतुक किया जाए। केवल बुद्धि का प्रयोग करते हैं हनुमान जी, जब सिंहिका से मिलते हैं, निश्चरी से मिलते हैं, तो हनुमान जी वहां समय बर्बाद नहीं करते कि हाँ बुद्धि लगाना नहीं है, केवल बल से ही काम होगा। हनुमान जी तुरंत उनका वध करते हैं। और जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते करने के दौरान में लंकनी से मिलते हैं, तो सबसे पहले बल का प्रयोग करते हैं, मुठिका एक महाकपिहनी। और जब बल का प्रयोग करने के बाद लंकनी को यह एहसास हो जाता है कि उन्होंने गलती उनसे हो गलती वो कर चुकी है, तो फिर हनुमान जी उनसे बिठा करके बुद्धि का प्रयोग करते हैं और सत्संग करते हैं। और सत्संग ऐसे कि लंकनी को लास्ट में कहना पड़ता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, अतुल न ताहि सकल मिली जो सुख लौ सत्संग। तो ये चार लोगों से देखिए कि हनुमान जी कैसे कैसे उपयोग करते हैं। और मैं सबसे कहूंगा, कभी जब ये हमारी बातों को सुन करके जब एकांत में बैठेंगे, तो विचार करके देखिएगा कि ये यदि हनुमान जी ये व्यवहार बदल दे एक दूसरे के साथ, तो वो आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए बल और बुद्धि का समन्वय, और बल और बुद्धि का उपयोग कब कब करना है, कब समन्वय नहीं करना है, ये बहुत आवश्यक है। और हनुमान जी से आप बखूबी सीख सकते हैं। तो ये जो बात है, इसका जितनी भी बार दोहराया जाए वो कमी है, इसलिए कम दोहराना ठीक है। हनुमान जी का स्मरण करेंगे तो उस प्रकार की सूक्ष्म बुद्धि हमारी जागृत होगी कि किस क्षण हमें कैसे अपने कदम को आगे बढ़ाना है, कहाँ क्या करना है, वो पता लग जाता। उस दृष्टि से सत्संग की बड़ी महिमा है। आदित्य जी, आपका जो नाम है उसमें ही सूर्य भगवान है, और सूर्य भगवान को भी एक समय बचपन में हनुमान जी ने अपने मुख में ले लिया था, इस प्रकार के प्रसंग। पर एक तो मैनाक के बारे में मैं आपसे फिर से स्पष्ट होना चाहता हूँ, मुझे ऐसा स्मरण आता है वो पर्वत थे क्या, मैनाक पर्वत? जी पर्वत थे। मैनाक है वह उपकार से प्रभावित थे, उनके जीवन में उपकार था, और वह उस उपकार के लिए मौका खोज रहा था कि मैं श्रेष्ठ कार्य के लिए अपने जीवन को कब समर्पित कर पाऊं। तो उनको एक अवसर मिलता है, उनको लगता है कि हनुमान जी राम काज के लिए जा रहे हैं, यदि थोड़ी मैं भी मदद कर दूं, मैं भी सहायता कर दूं, तो हो सकता है कि मेरे जीवन में जो उपकार लोगों ने किया है, तो उससे मैं पूर्ण हो सकता हूं। तो वह एक कृतार्थ के भाव से, कृतज्ञता के भाव से हनुमान जी के सामने आते हैं। तो इसमें मैं इस बात को इसलिए भी दोहरा रहा था कि जो सुरसा, निशिचरी और लंकिनी है, ये तीनों अलग भाव लेकर आ रही है, मैनाक और विभीषण अलग भाव लेकर आ रहे हैं। तो ये परिचय हमको हो कि हमारा मित्र कौन है और हमारा शत्रु कौन है, वो भी बड़ी आवश्यक बात है। और कई बार हम मित्र को शत्रु मान लें या शत्रु को मित्र मान लें, तो वो बुद्धि का ठीक ठीक प्रयोग करना हमको आया नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने में आते हैं। इस बात को लेते हुए जो अगला गुण आपने कहा, वो भी इससे मिलता जुलता है कि अच्छे बुरे की पहचान जो है, उसको आप कैसे हनुमान जी की सुंदर कांड के साथ जोड़ दें। मुझे कहने का आपसे और अवसर ले लेता हूं कि हम कभी कभी ये अपने बारे में तो सोचते हैं, बल्कि दूसरों के बारे में, और विशेष करके जिस तरह का चिंतन भारतवर्ष में चल रहा है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामूहिक रूप से भी राष्ट्र के हित में क्या है वो पहचान कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया में आ जाती है। बहरहाल, उस बात को भी साथ में रखते हुए आप बताएं, सुंदरकांड से अच्छे बुरे की पहचान में कैसे प्रेरणा मिलती है? अशोक जी, सबसे पहले तो मैं अपने जो हमको सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि जो एक एक विषय की हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इन पर एक एक अध्याय है, तो आप वहां से और विस्तृत पढ़ सकते हैं। जैसे बल और बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है, एक विस्तृत अध्याय है, और वैसे ही व्यक्ति पहचानने की कला। यहाँ पर दो चीजें हैं अशोक जी, सिर्फ व्यक्ति पहचानने की कला नहीं है, बहुत लोग तो जानते भी हैं व्यक्ति पहचानने की कला, उनके साथ तदनुरूप व्यवहार भी करना है। तो हमारे पास तो स्थितियां, पहले हम व्यक्ति पहचान नहीं पाते, और व्यक्ति पहचान भी लिए तो हम उनके साथ तदनुरूप व्यवहार नहीं कर पाते, और जब हमको बाद में पता चलता है तो समय बहुत है, वह बीत चुका होता है। हनुमान जी के साथ आप फिर पुनः देखिए, चारों का ही उदाहरण ले लीजिए। हनुमान जी के चारों नए लोग मिले हैं, कर्म क्षेत्र में मिलते हैं, और मैं यहाँ पर तो विभीषण जी को भी जोड़ लेता हूँ, पांच लोग मिलते हैं। हनुमान जी का लक्ष्य है सीता जी तक पहुंचना, और सीता जी से तक पहुंचने से पहले पांच लोग मिलते हैं हनुमान जी को,
और हनुमान जी तत्क्षण पहचान करते हैं पांचों का, वही कर्म क्षेत्र में ही। और जैसे आपने कहा कि मैनाक है वो कृतज्ञता के कारण आता है, बाकी सबके भाव अलग अलग है और हनुमान जी सबके भाव के अनुरूप व्यवहार करते हैं। मैनाक से प्रणाम कर, मैनाक को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके, सुरसा को माई कहते हैं, माता करके पुकारते हैं और उसके बाद उनके साथ कौतुक करते हैं, निश्चरी के साथ वध करते हैं, लंकनी को मुष्टिका से प्रहार करते हैं और विभीषण को गले लगा लेते हैं। आप सोचिए कि आपको सबके साथ सिर्फ पहचानना नहीं करना है, पहचान करने तक बात है वह पूर्ण नहीं है, आपको वहां से भी आगे की यात्रा करनी, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। तो पुनः देखिए, अब इनमें देखिए पांच लोग हैं ना अशोक जी, पांच में चार लोग हैं हनुमान जी की तरफ चल के आते हैं, मैनाक भी, सुरसा भी, लंकनी भी और निश्चरी भी, एकमात्र व्यक्ति है जिनके तरफ हनुमान जी चल करके जाते हैं, वो विभीषण है। यही सन हट करी हूं पहचानी, मैं हट पूर्वक इनसे पहचान करूंगा और आखिरी तक वही विभीषण काम आते हैं। तो व्यक्ति को पहचानिए। दूसरी बात, अब हम लोग बहुत बार प्रिजुडिस हो जाते हैं, पहले पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग बुरे हैं, ऐसे बोलने वाले लोग अच्छे हैं, ऐसे बोलने वाले लोग बुरे हैं। इन सब चीज से दूर हटिए, आप तत्क्षण परिस्थिति अनुरूप पहचानिए। जैसे जहां राम का राज सिंहासन होना था अशोक जी, वहां पर मंथरा थी, ऐसा नहीं है कि अयोध्या में सब लोग अच्छे थे। तो राम के राजा बनने के खिलाफ जाकर के षड्यंत्र करने का काम करने वाली मंथरा थी, और जहां पर सीता को चुरा करके लेकर के गया है रावण, वहां पर विभीषण भी थे जो राम काज के लिए व्यग्र थे। तो आपको हर जगह अच्छे लोग मिलते हैं। मेरी पुनः एक बहुत प्यारा गीत है, ये सब में गुण दोष होते हैं, हम पर है यह किसको खोटा या किसको खरा जान मान ले, और पात्र में आधा जल है तो हम पर है यह आधा खाली या आधा भरा मान ले। तो हर परिस्थिति में हर लक्ष्य के अनुरूप, मेरा काम है कि मैं आपको इंटरप्ट करूं और स्पष्टीकरण को थोड़ा और स्पष्ट करूं। तो ये जो उदाहरण आपने दिया ना, वो अच्छे बुरे की पहचान में बाधक हो जाता है, क्योंकि अगर आप कहोगे भाई गिलास खाली आधा है क्या, आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है, तो ऐसे तो आप हर एक जो मतलब हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती है, पर आपको ये देखना है कि वो आपके प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है। तो जो बड़े बड़े समझिए हमारे समाज के आसपास में जो घटनाएं घटित हुई हैं, आतंकवादी या, तो वो भी बुद्धि तो प्रयोग कर रहे हैं, पर उस बुद्धि की दिशा क्या है वो समझना मुझे लगता है अच्छे बुरे की पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। उस तो अब इसको भी थोड़ा सा सुंदरकांड से अलग आके बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, ये जो प्रश्न है बड़ा बहुत प्रासंगिक है। कहने का अर्थ यह नहीं है सब, मैं क्या कह रहा हूँ, सबको साधु मत मानिए, सबको आतंकवादी मत मानिए, परिस्थिति अनुसार इतना विवेक रखिए कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं उस काम के उद्देश्य के परिपेक्ष में यह व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है। यदि हनुमान जी ये सोचते कि लंका में सभी राक्षस हैं, सभी राम के विरोधी हैं, तो मुझको लगता है कि रावण पर विजय पाना है बड़ा कठिन हो जाता, विभीषण से मित्रता नहीं होती तो। और हनुमान जी इतने ही भावुक हो जाते कि हर व्यक्ति को गले लगाते चले जाते, तो शायद हनुमान जी सीता जी की खोज करके वापस नहीं आ पाते। तो मैं यही कह रहा हूं कि पात्र में आधा जल है, इसका मतलब है कि आप अपने पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए और अपने परिप्रेक्ष्य के अनुरूप लोगों का आचरण करते रहिए। हो सकता है आज मैं आपके लिए उपयोगी हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कल दूसरे काम के लिए मैं उपयोगी हूं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोगों के साथ दुर्व्यवहार कीजिए। हनुमान जी है, लंकनी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते, और लंकनी है वह अपने कार्य के अनुरूप हनुमान जी से व्यवहार नहीं करती, तो उनको सांकेतिक दंड देते हैं, बाद में उनके साथ सत्संग करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप पूर्वाग्रह से हटिए और पूर्वाग्रह से हट करके परिस्थिति अनुसार लोगों को पहचान कीजिए और लक्ष्य के अनुसार पहचानिए। अशोक जी मैं बहुत अच्छा हूं आपके साथ, आपके साथ बहुत अच्छा अच्छा बात कर रहा हूं, लेकिन आपके लक्ष्य के लिए उपयोगी नहीं हूं, तो मेरे साथ समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है आपको। बस मैं यही कह रहा हूं, हमेशा लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिए और हर व्यक्ति की पहचान लक्ष्य के अनुरूप कीजिए। तो ये जो बात है इसको मैं फिर से दोहरा लेता हूं अपने लिए याद रखने के लिए, आपके लिए भी, कि लक्ष्य के कंटेक्स्ट में आपको बाकी चीजों को समझना पहचानना आवश्यक है, और ये अगर नहीं स्पष्ट होता है कि लक्ष्य क्या है, तो फिर बाकी की बातों या जो संदर्भ हैं उनके ठीक ठीक अर्थ तक पहुंचना निरर्थक हो जाता है। क्योंकि वैसे आप सबको गले ही लगाओ, वो तो प्रेम की जोत जलाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, लेकिन अब भारत पाकिस्तान सीमा है और युद्ध हो रहा है तो अब सबको गले लगाएंगे तो काम चलेगा नहीं।
तो ऐसे करके हम फिर वापस आपके साथ जब आगे बढ़ रहे हैं, मेरा ऐसा मन हो रहा है आदित्य आपसे मैं निवेदन करूं, एक तो हमारे सारे जो मित्र हैं जो सुन रहे हैं आपको, सबने सुंदरकांड पढ़ी हो ऐसा आवश्यक नहीं है, पर अधिकतर वो भी होंगे जिन्होंने पढ़ी है, फिर भी जो सुरसा वाला एक चरित्र है या सुरसा के साथ उनका मिला, वो मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग है विजुअली भी, अगर आप कल्पना करके देखते हैं तो उसको थोड़ा सा बताइए आप। मैं उसमें उनका जो एक क्विक डिसीजन मेकिंग है हनुमान जी का, और हाउ टू प्ले अराउंड वगैरह, वो भी थोड़ा और स्पष्ट होता है किसी दृष्टि से, हमारे लिए वो प्रासंगिक भी और अधिक है। बहुत बड़े आप एक इसके पीछे एक प्रश्न और है, आप यह पूछ सकते हैं हनुमान जी हैं सुरसा की पहचान कैसे करते हैं? हाँ, क्योंकि हनुमान जी सुरसा के साथ सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग नहीं करते, तो यह भी एक प्रश्न आता है। और ये आपके जो आपका जो प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, वस्तुतः क्या है, जब हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी तो राम जी देव कार्य कर रहे हैं, और राम जी के कार्य के लिए हनुमान जा रहे हैं तो सारे देवता व्यग्र हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम अब हमारी जो जो संकल्प की पूर्ति जो राम जी ने लिया है उसको उसकी सिद्धि का समय आ गया है, तो वो हर चीज को इंश्योर करना चाहते हैं, तो वो सुरसा को भेजते हैं कि भाई एक काम कर लो कि हनुमान जी की परीक्षा ले लो रास्ते में, हो सकता है कि हनुमान जी परीक्षा में तो पास हो गए, हो सकता है किसी कारणवश यदि देवताओं को लगता कि हनुमान जी परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं तो मुझको लगता है कि कुछ और व्यवस्था की जाती है हनुमान जी को इक्विप करने का, ये मेरा अपना अनुमान है, ये शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि भी किसी आदमी की परीक्षा क्यों लेना, जात पवन सुत देवन देखा जाने तो बल बुद्धि विषय का, असुरसा नाम अहिल कै माता, तो उनको इसलिए भेजा गया कि हनुमान जी को एक मायावी नगरी में जाना है और वहां पर ऐसे बहुत लोग मिलेंगे तो हनुमान जी की थोड़ी सी परीक्षा ले लिया जाए और यदि जरूरत पड़े तो फिर हनुमान जी को बता देंगे, हो सकता है ऐसा भाव रहा होगा। चयन किसका किया गया ये देखिए, चयन इसका किया गया कि वो सब लोग जानते थे सारे देवता कि हनुमान जी बड़े विनयशील हैं और वो सुरसा के सामने जाकर के सबसे पहले ही माँ बोलेंगे, और वो हनुमान जी वही कहते हैं कि भाई माता मुझको जाने दो और राम जी की जो राम जी का काज हो जाए, सीता जी की सुधि सुना दो, फिर मैं आपके सामने आ जाऊंगा। तो ये देवताओं को पहले से भान था कि हनुमान जी है माता करके संबोधित करेंगे, तो ऐसी कोई महिला को ना भेजा जाए जो द्रवित हो जाए तो हमारा काम तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो उसके लिए सुरसा का चयन किया जाता है। और सुरसा का डिस्क्रिप्शन है, परिचय देते हैं, वो सर्पों की माता है, सर्पणी है, और सर्पणी है, उसकी विशेषता यह है कि वह अपने बच्चों को भी खा जाती है, जब 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 वह मतलब अंडे से सर्प के बच्चे निकलते हैं तो सर्पणी पहले उसको ग्रास करती है, उससे जो बच जाते हैं वही लोक में आते हैं, तो उनका इसीलिए चयन किया जाता है कि हनुमान जी के अनुनय विनय और भावना में नहीं बहेगी और यह परीक्षा में पारंगत रहेगी, परीक्षा के रूप में। यह सुरसा की भूमिका है और हनुमान जी हैं बखूबी उसको समझ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले लंकनी सुरसा है क्या कहती है, आज सुरन मोहि दिन न आहारा, हनुमान जी के लिए यह स्टेटमेंट पर्याप्त था, वो समझ जाते हैं कि सुरसा है देव सत्ता के प्रति विश्वासी है, क्योंकि क्योंकि उसको अहंकार नहीं, उनको ऐसा लगता है देवताओं ने आहार दिया है, तो हो सकता है भ्रम है आहार और हनुमान जी में, यह भ्रम को ही हटाना है, व्यक्ति में दोष नहीं है, इसलिए हनुमान जी बल का प्रयोग नहीं करते। तो आदित्य जी की बात सुन के ऐसा लगता है कि जितना मनन इन्होंने किया है उसके थोड़ा आसपास जाने के लिए, हमें और गहराई में उतर के और उतरने के लिए हनुमान जी का अनुग्रह प्राप्त करके सुंदर कांड का और अधिक अध्ययन करना चाहिए। पर आदित्य जी जो बात आज आपने बताई हमको, विशेष करके जिन गुणों को आपने ऐसा समझा कि हमारे लिए प्रासंगिक है, उसमें आज बुद्धि और बल में समन्वय के बारे में आपने बताया, अच्छे बुरे की पहचान के बारे में आपने बताया, तो ये जो क्रम है वही क्रम हम अगले अंक में फिर से जारी रखेंगे। और चलते चलते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो बहुत सारा धन्यवाद है, आपका आभार है, और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें व्यक्त आप कराते रह रहे हैं और अधिक कराएं तो उत्साह भी बढ़ता है तो आनंद भी बढ़ता है।